छोड़ जाके तुम्हारी माया में गिरे, जैसे संत साधु भी तुम्हारी माया में गिरेगा, अपनी माया घर में छोड़ के आया तो तेरी माया में वो पक्का गिरेगा। कुछ न कुछ उसे तुम्हारी माया से वो आश्रम बनाएगा, शिष्य बनाएगा, कुछ न कुछ बनाएगा। तो देखो पराई माया में भी गिर गया, सबके माया में वो गिरते हैं। उसको किसी ने ऐसी रमज नहीं बताई, आपने कभी समझा ना दोनों गुर्जी वाला इस तरह रहेगा या बिखर जाएगा। जब मिसाल देते हैं, दृष्टांत देते हैं, तभी तुम्हारा विचार चलता है। तो बराबर ये तो बात सच्ची है, इधर से मन से छूटता है, उधर पकड़ा जाता है। इसीलिए सत्संग जो है, ज्ञान जो है, जो सत्य का अनुभव है, तो तुम अपने अनुभव से उठना, अपने अनुभव से उठना। तो मेरे को इधर बैठने से क्या होता है, उधर बैठने से क्या होता है, इस ख्याल से क्या, इस ग्रहण से क्या, तुमको हम कार्य सुजागी देते हैं। ये बातें सब सुजागी के लिए है। तो तुम आत्मा में जाग, सुजाग रहो, फिर देखो तेरी प्रकृति कैसे तुमको मदद करती है, तुमको और आगे बढ़ाएगी। कभी किसको विश्वास नहीं होता है तो ऐसी कुर्सी में हम भगवान बन के बैठेंगे, पर ये प्रकृति आप ही बना के रखती है, तो सच्चाई कहाँ जाएगी, सच्चाई किधर जाएगी। जे तुम निष्काम है, निरीक्षा है, कोई भी अंदर में मोह भाव नहीं है, तो देखो तुम्हारा रास्ता खाली खाली पड़ा है। खाली रास्ते में हम सब चल रहे हैं ना, रास्ते में कोई रोकता थोड़ी है, सबके लिए खाली रास्ता पड़ा है। ऐसे इधर भी अपने स्वरूप को जानने के लिए तुमको 24 घंटा है। कोई सवाल पूछे तो ग्रस्त में ऐसा मैं चाली बाबा बन सकता हूँ, ग्रस्त में हम आज आप बोलो तो ग्रस्त में बन सकेगा या सन्यास में कोई बन सकेगा। उधर तुम्हारी सब सुविधा है, घर में तुम चुप करके बैठ तो तुमको जरूर खाना देगा, बोलेगा मैं खाता हूँ ये भी खाए। और सन्यास में तुम अकेली कोठी में बैठेगा, कोई पूछेगा भी नहीं। आपको मालूम नहीं है सन्यासी भी अपने को कभी शूट करता है, कभी मर के गंगा जी में डूब जाता है। कई लोग ने तंग होकर अपना शरीर छोड़ा है तो भगवान बच जाता है, और जन्म मरण से छूट जाएगा, दुखों पापों से छूट जाएगा। पर जो देवता को पूजेगा ना संपदा मिलेगा, उस लोक में जाएगा, उस लोक में जाएगा, पितर लोक में जाएगा, भूतों के लोक में जाएगा, पर मेरे में समा नहीं जाएगा। जो मेरे में समाने का जी करे तो मेरे समाने में तुमको कुछ भी जन्म मरण नहीं मिलेगा। हूँ आत्मा में, हूँ आत्मा में। इधर देखो सब बोलेगा आप ये पूजा चुराते हैं, आप दान चुराते हैं, आप ये भक्ति चुराते हैं, आप ये चुराते हैं। समझो हम चुराते हैं, पर मैं किस लिए चुराते हूँ, मुक्ति देने के लिए। मुक्ति में ये तुम्हारा एक भी कर्म आ जाएगा तो जैसे राजा भरत ब्रह्मज्ञानी था, एक हरणी के मोह में दो उसने जन्म लिया, हरणी के मोह में। तो एक मोह के कारण भरत दरी दो दे धारण की। तो एक भी तुम्हारे खाते में तुमको मालूम पड़े तो मेरा कर्म इस खाते में है। मैं तो निजी आत्मा हूँ, निजी परमात्मा हूँ, निजी सत्य हूँ, निजी सत्य हूँ, निजी सत्य। आप जब देसी घी लेते हैं 50 रुपए किलो का देता है, थोड़ा भी उसमें कोई विखेप करे तो आपके मन में विखेप आएगा। पैसा तो मुँह अच्छा लेता है पर करता क्या है। ऐसे ही भगवान निराकार तुमको देखेगा तो तुम्हारे खाते में कोई कर्म है तो फिर जाओ जन्म मरण में, जन्म में भी जाओ, जन्म मरण में भी जाओ, जन्म में भी जाओ, नर्क में भी जाओ, पर तुम्हारे खाते में कर्म न हो गए। इसकी संभाल करनी पड़ती है। तो चाहे मैं ब्रह्म ज्ञानी हो जाऊँ ना, पर मैं भी कर्ता बन के कोई कर्म न करूँ, किसी में दया न करूँ, किसी से मोह न हो जाए। दया तो करूं, दया धर्म का मूल है, पर नर्क मूल अपमान। तो मैंने इसके ऊपर दया की, मैंने उसका उद्धार किया, मैंने ऐसा किया, मैंने इधर लकीर बनाए तो मेरे से सुबह से शाम तक क्या हुआ, वो उसकी बात हो गई, मेरी थोड़ी थी, मैंने थोड़ी किया। उसके श्रद्धा ने उसको जवाब दिया, मैंने नहीं किया। उसकी जब श्रद्धा इधर आती है तो रिटर्न में कोई तो फल उसको मिलेगा ना। जब भी बदकर्म का फल मिलता है, सत्कर्म का फल मिलता है, तो निष्काम भी तू होगा, तेरे को फल मिलेगा। मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ देने वाला भी नहीं हूँ, लेने वाला भी नहीं हूँ, करने वाला भी नहीं हूँ। मैं हूँ ही नहीं, तो मेरे को अंदर में जरी भी इतनी कुछ होती है बस खुशी नहीं होती है। तो अभी अभी मेरे से इसको आनंद मिला, मेरे से इसको सुख मिला, शांति मिली। अंदर अंदर कुछ होता ही नहीं है, बस यहाँ तक बात हुई खलास हुई। इधर तो सेफ ही सेफ है, अंदर बिल्कुल सेफ है, अंदर कोई एंट्री ना होगी,
एक शब्द की, एक कर्म की, एक एक्शन की, हम बस शांत पद में हम इस पर बात करते भी शांत में हूँ, खाते हुए भी शांत में हूँ, चलते हुए भी शांत में हूँ। ये अंत्यकरण नहीं है तो हमें कैसे, इधर अंत्यकरण नहीं है। जो अज्ञानी को होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो इधर न मन है न बुद्धि है न अहंकार है न चित्त, कुछ है ही नहीं, बस खाली जैसे मटका खाली है, ऐसे ये खाली है मटका, बिल्कुल खाली, थॉटलेस, ईगोलेस, अनकंसर्न, पक्षपात रहित। किसी का पक्ष लेके हम बात नहीं करेगा, किसी को देखने का भी नहीं, बोलते ये कौन है वो कौन है, मैं ही हूँ, मेरे को पता है इधर मैं ही हूँ। वो अज्ञानी अपनी बात करके अपना वो लेके जाता है सब, तो मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। तुमने खाली डालदा भरी थी, हमने डालदा तुम्हारी निकाली है, खाली दवा कर दी। तुमने अपने में डालदा भरा था, ऐसे नहीं नहीं भरा था, गटर भी भरा था, डालदा भी भरा था, किसने क्या भरा, किसने क्या भरा, भरा ऐसे नहीं, तू खाली है, भरा कुछ न कुछ भरा है। कोई मटके में हीरा डालता है, कोई मटके में मक्खन डालता है, कोई मटके में लस्सी डालता है, पर तू ही भरता है ना, तो इधर क्या भरा वो हमको बताओ, इधर क्या भरा वो खाली, हम तुम्हारा सबका मटका उल्टा करेंगे। जो तुमने पहले कर्म किया है मेरे को पसंद नहीं है। गुरबिन माला फेते गुरबिन देते दान, गुरबिन दान हराम है कहते वेद पुराण। गुरु के इशारे के समय जो तू करेगा सीधा नर्क में जाएगा, तब तक तुम्हारी हालत बेगानी रहेगी, बेगानी। एक देखो कुत्ता है, मालिक का कुत्ता है, तो मोटर में घूमता है और गले में उसको पट्टा भी पड़ा है, चेन भी है, पर जो रस्ते में रोनू कुत्ता है उसको कौन सी चेन है, कौन सा पट्टा है, वो रस्ते का घूमता है किचरा। कितना देखो उसका जन्म नीच है, एक कुत्ता मोटर में घूमता है, एक कुत्ता रस्ते में किचरा खाता है। तुम भी ऐसे है, जे तू भगवान का नहीं बनेगा तो तुमको भी रस्ते का किचरा खाना पड़ेगा, गली गली घूमनी पड़ेगी, तुमको शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए हम तुम्हारा मटका टोटली उल्टा करेगा। जो तुमने देखा, जो तुमने सुना, जो तुमने पाया, जो तुमने, हम टोटली चेंज कर देगा, बिल्कुल तुम्हारे को उल्टा करेंगे।